हेलो फ्रेंड, आपके सामने क्वेश्चंस दिख रहा होगा, यहाँ पर क्वेश्चंस दिख रहे हैं, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चंस के जो किस तरीके से फिगर बनेगा और किस तरीके से उसकी वैल्यू है वो चीजें मैं बता रहा हूँ। आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। तो कैसे है ये क्वेश्चन है वो चीजें मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन पे ये दिया हुआ है कि कोई स्टेशन एक बी है, ऑब्जेक्ट वाला स्टेशन है, ठीक है, और ये स्टेशन ए है जहां पर इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, और ये पॉइंट बी है जहां का मुझे आरएल फाइंड आउट करना है। और क्वेश्चन में ये बोला है कि जब ये इस पॉइंट पे मैं स्टेडियर रॉड रखता हूं या लेवलिंग स्टाफ रखता हूं, तो इसके वन मीटर पे मैं इसका नाम दे देता हूं सी रख देता हूं, ठीक है। ये वन मीटर पे है और इसका हॉरिजेंटल के साथ अल्फा वन 3 डिग्री 45 मिनट हो रहा है। फिर वही मैं 4 मीटर पे जब इसको वर्टिकल एंगल मूव करके 4 मीटर पे, मतलब यहां से 4 मीटर पे देखता हूं, तब अल्फा 2 मिलता है और उसकी एंगल 45 डिग्री 30 मिनट। ये आपके क्वेश्चंस में दिख रहा है, ठीक है, लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि 4 मीटर पे 5 डिग्री 30 मिनट और 1 मीटर हाइट पर 3 डिग्री 45 मिनट ये मिल रहा है। कह रहा है कि ये जो बी पॉइंट है इसका आर एल फाइंड आउट करके बताए, तो मैं इसका सी नाम रख दिया, इसका ई नाम रख दिया और यहां पर मैं एफ नाम रख देता हूं, ठीक है। अब यहां पर देखोगे तो दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक तो राइट एंगल ट्राइंगल ये दिख रहा है जिसमें मुझे ये नहीं पता है, ठीक है। इसका वैल्यू मान लो ये एक्स है, बता दी मैंने ये एक्स है, ठीक है, जो बी एफ दिया हुआ है वो एक्स है। तो एक तो राइट एंगल ट्राइंगल ये दिख रहा है, कौन सा, ए डैश सी बी एफ दिख रहा है, दूसरा दिख रहा है ए डैश ई एफ। ये आपके सामने दो ट्राइंगल बनेगी, वो भी राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। तो मैं यहां पर लिखता हूं इन ट्राइंगल, कौन सा दो ट्राइंगल है, पहले ये वाला ट्राइंगल ले लेता हूं सी ए डैश एफ, सी ए डैश एफ, जहां पर ये एंगल एफ 90 डिग्री है, तो वहां पर मैं टेन कौन सा अल्फा वन पुट कर रहा हूं, अल्फा वन, तो वैल्यू क्या आएगी यहां से यहां तक, मतलब सी एफ आएगा अपॉन ये आएगा, इसको मान लीजिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है यहां से, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बी है, तो इसकी वैल्यू जो है ए डैश एफ की वैल्यू जो है वो लिख लेंगे। अब यहां पर टेन अल्फा वन, ठीक है, टेन अल्फा वन को अल्फा वन ही रहने दो, बाद में हम वैल्यू पुट करेंगे। सी एफ की अगर वैल्यू मैं बात करूं तो ये वन प्लस एक्स होगा, सीधा दिख रहा है यहाँ वन मीटर और ये एक्स, तो सीएफ की वैल्यू वन प्लस एक्स हो जाएगा। और ए डैश एफ की अगर मैं बात करूं तो वो इंडिकेट किया है मैंने डी, क्यों नहीं पता है, ठीक है। ये डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर डी का फॉर्मूला मैं लिखूं तो ये इधर जाएगा और इसकी वैल्यू इधर आ जाएगी, मतलब डी इक्वल टू हो जा रहा है वन प्लस एक्स अपॉन टेन अल्फा वन, ये यहां पे गया और ये वैल्यू इधर आई। इसको इक्वेशन वन ले लेते हैं, क्लियर, इक्वेशन वन ले लिया। अब उसके बाद से थोड़ा ध्यान देंगे आप अच्छे से, तो अब मैं दूसरा ट्राइंगल ले रहा हूं ए डैश एफ और ई, कौन सा, इन ट्राइंगल ए डैश ई एंड एफ, ठीक है, उसमें मैं टेन अल्फा टू प्रोवाइड करूंगा, अल्फा टू इक्वल टू क्या होगा, यहां से सी एफ आएगा, सॉरी ई एफ अपॉन क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। अब वैल्यू पुट करो, देखो टेन अल्फा टू को वैल्यू डी इधर कर दो, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा ई एफ की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं ई एफ से लेके एफ तक, यहां तक 4 मीटर है और ये एक्स है, सीधा दिख रहा है यहां से ये 4 मीटर और ये एक्स, तो कितना आ जाएगा ये आपका 4 प्लस एक्स अपॉन डी, और यहां पे ये टेन अल्फा टू है, अल्फा टू इधर आ जाएगा, ये इधर मल्टीप्लीकेशन है वन के साथ इधर और ये इधर चला जाएगा, तो डी इक्वल टू क्या हो गया 4 प्लस एक्स अपॉन टेन अल्फा टू, ये इक्वेशन नंबर टू हो गया, क्लियर हो रहा है। अब उसके बाद से अगर इक्वेशन वन को देखा जाए तो डी इक्वल टू ये वैल्यू है, इधर भी डी इक्वल टू ये वैल्यू है, तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू अगर मैं लेता हूं, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, तो मेरे पास ये वैल्यू आएगा इधर 1 प्लस एक्स अपॉन टेन अल्फा वन और इधर 4 प्लस एक्स अपॉन टेन अल्फा टू। अभी कुछ लोग ना इधर से ये एक्स कट कर लेते हैं, नहीं यहां पर एडिशन में है तो नहीं कट कर सकते, अगर
अगर सिर्फ एक्स इधर ऊपर होता है, इधर सिर्फ एक्स होता है तो कट जाता, वन वन आ जाता। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दू इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो इसका इसके साथ होगा, पहला वन के साथ होगा तो वन इंटू टेन अल्फा टू, फिर प्लस एक्स इंटू टेन अल्फा टू इक्वल टू, इसका इसके साथ होगा तो पहले फोर टेन अल्फा वन और फिर एक्स टेन अल्फा वन। अभी एक्स वाले का एक साथ कर दो और बाकी वाले को उस तरफ कर दो। तो यहां पर एक्स टेन अल्फा वन है, इसको भी लेकर आऊ, ये एक्स टेन अल्फा क्या था, यहां टू था ना, टेन अल्फा टू, और ये एक्स टेन अल्फा वन इधर आएगा तो माइनस होगा एक्स टेन अल्फा वन, इधर फोर टेन अल्फा वन था और ये आया प्लस है ना इधर, तो मैं उधर ट्रांसफर करूंगा ना, मल्टीप्लीकेशन नहीं है ना, प्लस है तो उधर माइनस टेन अल्फा टू। अगर यहां पर थोड़ा ध्यान देंगे, एक्स कॉमन कर लू, ठीक है, एक्स कॉमन अगर कर लेता हूं तो क्या वैल्यू हो जाती है मेरी, यहां पे है फोर टेन अल्फा वन माइनस टेन अल्फा टू, ठीक है, और यहां पर टेन अल्फा टू माइनस टेन अल्फा वन, क्योंकि एक्स कॉमन करोगे तो यही आएगा अल्फा टू माइनस अल्फा वन, और एक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन तो उधर डिवाइड हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो रही। अभी ये वैल्यू पुट कर दो इसमें, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर टेन अल्फा वन, अल्फा वन की वैल्यू थ्री डिग्री फोर्टी फाइव मिनट एंड अल्फा टू की वैल्यू पुट कर देते हैं, फोर टेन थ्री डिग्री फोर्टी फाइव मिनट माइनस टेन अल्फा टू मतलब टेन फाइव डिग्री थर्टी मिनट डिवाइडेड बाय पहले अल्फा टू फिर अल्फा वन है, अल्फा टू पहले है तो टेन फाइव डिग्री थर्टी मिनट माइनस टेन थ्री डिग्री फोर्टी फाइव मिनट, ये वैल्यू हम निकालते हैं, कैलसी दे दीजिए मैं निकाल देता हूं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर देखेंगे तो फोर टेन थ्री डिग्री फोर्टी फाइव मिनट, इसके बाद माइनस टेन फाइव डिग्री थर्टी मिनट, इसको करने के बाद इक्वल कर दो, इक्वल करने के बाद अब डिवाइड डालो और ब्रैकेट में लिखो टेन फाइव डिग्री थर्टी मिनट माइनस टेन थ्री डिग्री फोर्टी फाइव मिनट, ब्रैकेट क्लोज कर दो, इक्वल कर दो, तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई, फाइव पॉइंट थ्री नाइन फाइव है तो थ्री नाइन फाइव ही लिख दो, इतना मीटर एक्स की वैल्यू आ रही है। अब मुझे पूछा क्या है, क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ पे तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि मुझे ये बी पॉइंट है ना उसका आरएल चाहिए, आपको इस लेवल का आरएल दिया हुआ है, आरएल ऑफ एक्सिस बोला है ना, एक्सिस का लेवल, इंस्ट्रूमेंट एक्सिस का लेवल का आरएल दिया हुआ है, कितना दिया है आरएल ऑफ एक्सिस, अगर लिखता हूं ये दिया हुआ 105.0 मीटर, ये दिया हुआ मतलब इस लेवल का आपको पता है, एक्स अगर ऐड कर दिया जाए तो ये आरएल मिल जाएगा, तो आरएल एट बी, आरएल एट बी क्या है, आरएल ऑफ एक्सिस लेवल प्लस एक्स, यही होगा, तो ये दिया है 105 और ये आया है 5.395, ये हम ऐड कर देते हैं प्लस 105 में, तो आपकी वैल्यू आ जाती है ये 110.395 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा आरएल एट बी, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्यूशन करना है, और ये आपको मैं बता दूं तो ये आपका जीपीयू, ठीक है, जीटीयू के क्वेश्चन पेपर से लिया गया है, जीटीयू एग्जाम होता है उसका क्वेश्चन पेपर होता है, आपका जो यूनिवर्सिटी का पेपर है उससे ये क्वेश्चन लिया गया है, तो आप ये देख सकते हैं कि ये आई थिंक लेटेस्ट पेपर ही है, उसमें आपके ये पेपर में मिल जाएगा, ये क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है, क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो थैंक यू। अच्छा, तो उसमें एक चीज और रह गया था, वो है इनके बीच का डिस्टेंस, ये डी फाइंड आउट करना था, तो डी आप इसमें भी पुट कर सकते थे, इसमें भी पुट कर सकते थे, किसी में भी पुट करके हम फाइंड आउट कर सकते थे, तो
तो किसी एक में पुट करके हम फाइंड आउट कर लेते हैं, जैसे ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो इसमें या तो इसमें इक्वेशन वन में पुट कर लेते हैं, ठीक है। द वैल्यू, क्योंकि एक्स की वैल्यू ही हमें अननोन है, एक्स की वैल्यू इसमें पुट कर देता हूं मिल जाएगा। तो द वैल्यू, या पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन वन, और इक्वेशन वन क्या है, ये है वन प्लस एक्स अपॉन टेन अल्फा वन, वन प्लस 5.395 अपॉन टेन अल्फा वन की वैल्यू है 3°45'। तो कैल्सियम में इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं और कितना आता है आंसर वो भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। कितना है, 1 प्लस 5.395, ओके, डिवाइडेड बाय इन ब्रैकेट में, ब्रैकेट लगाओगे नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, 10 है 3°45', ब्रैकेट क्लोज, इक्वल करते हैं तो वैल्यू आ जाती है डी की 97.5688 है, तो इसको 9 कर लो मीटर, ये आपका डी की वैल्यू। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है, स्टेशन ए का और ऑब्जेक्ट जो बी है उसके बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 97.569 मीटर है, इतना ऑलमोस्ट 100 मीटर के आसपास ये है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व कर लेना है, आप इसमें भी पुट करके सॉल्व कर सकते थे, इसमें भी पुट करके सॉल्व कर सकते थे, तो नो प्रॉब्लम, इसमें भी आपको जो सुटेबल लगे उसमें पुट करके आप उसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो थैंक यू।